तो होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी भी बाइक रेडी नहीं हुई है, अभी स्टिकरिंग का काम बाकी रहता है, तो वो सब हम करा लेते हैं जो हमारी पहले वाली बाइक में था। और चैनल का नाम लिखना तो ज़रूरी यार, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ भाई बाइक किसकी जा रही है। और भाई अपनी चीज़ पे अपनी ब्रांडिंग हो तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। तो ये बात तो है ही। तो सोनीपत में एक जगह है जहाँ पर पता चला है मुझे कि भाई ठीक ठाक करता है, ट्राई करके देखते हैं कैसे करता है। स्टिकर करवाना है भाई, बात करी थी फोन पे। केस ऑफ स्टिकर, तो भाई भाई से हमने अपनी बाइक करवाई है केस ऑफ स्टिकर से, यहाँ सोनीपत से ही, दिल्ली रोड है पुराना। तो भाई कुछ ऐसी लग रही है, ये तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी अपनी नेमिंग हो गई है प्रॉपर, कलर मैच हो गया है पीछे भी और साइड में भी। तो आज भाई डोमिनार ने करवा दिया, हमारा पहला सब्सक्राइबर बढ़ा दिया। भाई इस बाइक में एक एक खड्डा देख के चलना पड़ता है, मतलब कि वो इतनी ज़ोर से लगता है ना। और BMW पे तो मतलब ऐसे खड्डों पे ऐसा मन करता है यार, मतलब थ्रोटली क्यों कम करना है यार। सही में यार बाइक तो बाइक है, अपने सेगमेंट में ये बाइक भी सबसे बेस्ट बाइक है, मतलब इस रेंज में जो प्राइस में आती है सबसे बेस्ट बाइक है। मैं सबसे पहले जो पीछे जाना का बांधा हुआ है मैंने, जो पीछे लगता है कैरियर वगैरह, तो वो सारा वहाँ पे फिटिंग करानी है, क्योंकि परवेश ने उतारा हुआ था तो इसके नट बोल्ट है नहीं, तो ढंग से फिट हो गए नहीं। मैंने एक ये यहाँ पर लगाया जिस पर GoPro लगा हुआ है, और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा हिल रहा है। भंगाया तो BMW के उससे था साइज़, लेकिन ये कहीं पर फिट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। तो चलते हैं फटाफट करोल बाग, टाइम में भी 1:30 के आसपास का हो ही गया होगा। थोड़े से शॉट हैं जो मैंने लिए हैं इससे, तो एंजॉय करो और देखो कि कैसे लगते हैं। पहले जाना का काम करवाते हैं, और भाई आने वाला है, भाई से मिलते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं कि कौन हमारे साथ अब की बार राइड करने वाले हैं। लग के पूरा रेडी हो गया है, अब इस पे पीछे जो अलग से मैंने एक बॉक्स लिया था वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कुछ ऐसे दिख रही है बाइक अभी। तो भाई हमारे गुलिया साहब आ चुके हैं झज्जर से। झज्जर से कितनी देर लगी? डेढ़ घंटा। चलो भाई बाइक में है ना टायर डलवाने, और दोनों भाइयों को साथ में राइड करनी है, तो इसलिए जो भी काम रहते हैं बाइक में वो करवा लेते हैं फटाफट।
तो भाई का भी YouTube चैनल है, मैं बता दूंगा अभी, ये पीछे लिखा हुआ है ASG Blogs और RRD Blogs, मतलब कि सेम अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं हम दोनों के। तो भाई झज्जर से है और प्रणाम अंकल जी, बढ़िया। टायर करवाने हैं अगला पिछला। ऑफ रोड में क्या मिलेगा इसमें? दोनों के करने हैं। तो ये दो टायर लिए हैं, एक है मिसलन का, एक है स्पीड टेल्को का। तो ये ऑफ रोड टायर मेरी बाइक में डलेंगे। एक निकलवा दिया है, ये डल रहा है। पीछे वाला बिल्कुल नया ही टायर है मेरा, उसको रख के मैं भी ले जाऊँगा। और भाई ने टायर इतना ज़्यादा घिसा दिया, तारे निकाल दिए हैं। आप पे घिस गए हो, डोमिनार का ना घिसा, इसमें घिस गया। तो भाई बाइक के एक्स्ट्रा ऑयल भी ले लिए मैंने और चेन लूप एंड क्लीनर भी ले लिया है और साथ में लिया है बंजी रोड। तो अप्रोक्स 2,500 के आसपास का खर्चा अभी हो गया इस पर, और टायर का जो अभी रहता है वो सब रहता है। तो लद्दाख की ट्रिप यार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है अब की बार, और BMW होती तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ें इस बाइक में मुझे करानी पड़ रही हैं वो उसमें नहीं करानी पड़ती। तो ये एक मेन बच जाता है, और तो ये अभी मेरे अंदर इस बैग के अंदर जाएगी। तो बाइक दोनों की दोनों रेडी हो चुकी है। इसके टायर जो पड़े हैं 9,000 के आसपास पड़े हैं, और जो इसके टायर पड़े हैं वो पड़े हैं 5,000, पूरे 5,000। तो भाई मेरे वाली डोमिनार जो है उसमें सस्ते पड़ गए हैं बाइक में, भाई बड़े महंगे पड़ गए 9,000 में। तो भाई डोमिनार हर चीज़ में सस्ती पड़ती है, ये बात है। लेकिन टायर देखो ना, हमने कौन से डलवाए। टायर मेरे ऑफ रोड है 50-50%, लेकिन मेरे चलेंगे भी कम, उस हिसाब से मेरे चलेंगे 5,000 या 6,000 के आसपास। पिछले वाला टायर है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा ख़त्म हो चुका हुआ, और फिर उसको वही बात है कि लेके नहीं जा सकते पहाड़ी एरिया में। तो भाई ये सारा काम हो चुका है, एक बचा है फ़ोन होल्डर का, वो भी अभी देखता हूँ फ़ोन होल्डर कहाँ से लगवाऊँगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं सब, ले ले सीधा। तो भाई अभी जा रहे हैं डीकैथलॉन, वहाँ से लेने विंटर ग्लव्स, क्योंकि बारिश में यार ये लेदर ग्लव्स काम नहीं करते। चलो भाई मिलते हैं फिर, ठीक है, परसों का प्लान बनाते हैं, आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं कि लद्दाख कैसे कैसे और कितने दिन का प्लान करना है। तो भाई आप लोगों को परसों वाली जो वीडियो होगी उसमें पता चलेगा कि लद्दाख हम कहां से जा रहे हैं और कौन कौन सा रूट ले रहे हैं, कितने दिन की हमारी ट्रिप बन रही है। तो अभी भाई यहां से झज्जर निकल जाएगा, मैं सोनीपत निकल रहा हूं। अप्रोक्स में दोनों का टाइम सेम है, ठीक है अजमित। पुलिस वाले चलान कर रहे हैं, जो रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, और जो अभी कल हम मिलेंगे उसमें हम मिल के डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम कहाँ कैसे और कितने दिन की ट्रिप रखें, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, पहले कहाँ घूमें और अब कहाँ कहाँ घूमना सही रहेगा। दूसरी बात, हम परमिट का कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों का परमिट का कुछ हो जाए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या प्लान करा हमने, और लेह से मुझे परमिट मिल जाए पहले ही, तो वो मैं आपको बता दूंगा कल की वीडियो में, नहीं वो हम लेह लद्दाख की वीडियो में बताएंगे कि भाई क्या परमिट है, कहाँ क्या बात हो रही है। तो भाई जो भी लेह प्लान कर रहा है, तो अभी 15 से 20 दिन रुक जाओ, जो वीडियो हमारी आएंगी उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कैसी कंडीशन है, क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो जो भी अभी प्लान कर रहा है हाल फिलहाल, वो मतलब कि 10 से 15 दिन रुक जाओ, जब मेरी वीडियो आने लगे तब आप उसको देखना, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मेरे टच में है तो उसको जल्दी पता चल जाएगा। तो मैं सब कुछ चीज़ अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तो खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल हो ना हो। बाय, टेक केयर।